नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ofounders.net के बारे में, ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको ओ फाउंडर की वेबसाइट में दिखाई दे रहे हैं। ओ चैट एक आपको मिला है जहां पे सोना एक आपकी एआई असिस्टेंट है जिसको आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वो एक ही जवाब आपको मिलेगा। 5-6 तरह के कीवर्ड उसमें फिट किए गए हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन कीजिए उनमें से एक निकल के आएगा। ओ मेल हो गया और जो भी ओ ट्रिम हो गया, ओ ट्रैकर जो ये लेके आने की बात करते हैं, ओ कनेक्ट जो ये लेके आने की बात करते हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सर्वर के बारे में बात करेंगे और जो ओन पैसिव की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी का नाम सुनकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आज आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस स्क्रीनशॉट से। ये देखिए, जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं hivestack.com की वेबसाइट पे आप भी जाके सर्च कर सकते हैं ofounders.net और उसकी संपूर्ण जानकारी आप वहां पे ले सकते हैं। तो यहां पे जो ofounders.net का जो डोमेन नेम लिया गया था, क्रिएट किया गया था, तो वो किया गया था 2021 में 5वें महीने में। ध्यान से सुनिए, 2021 में 5वें महीने में ये डोमेन नेम लिया था ओन पैसिव के सीईओ ऐसु फारा ने। किस टाइम पे लिया था पहले तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे लिया था जब 2018 में ओन पैसिव के सीईओ ऐसु फारा ये बोल चुके थे कि भाई मैं सभी को, जितने भी मेरे फाउंडर होंगे, उनको खुद का एक डोमेन नेम दूंगा, यानी कि उनकी खुद की वेबसाइट दूंगा, उनको वेबसाइट का मालिक बनाऊंगा। 2020 से पहले यानी कि अगस्त के आसपास 2020 में वो ये बोल चुके थे कि भाई मैंने जूम से बड़े, फेसबुक से बड़े, व्हाट्सएप से बड़े, गूगल से भी बड़े प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं और मैं सभी को डोमेन नेम भी साथ के साथ दूंगा। उसके बाद की जो ये बात हुई 5वें महीने की, उस टाइम पे ओन पैसिव के सीईओ ऐसु फारा ने ofounders.net का ये जो डोमेन नेम है ये परचेज किया। कहाँ से? GoDaddy से। ध्यान से सुनिएगा, GoDaddy से। GoDaddy क्या है? जो पूरी दुनिया में सभी को उनकी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है, यानी कि GoDaddy को आपको हर साल या मंथली जैसे भी आप चाहें आपको पैसे देने होंगे और वो आपके लिए आपको डोमेन नेम दे देगा। लेकिन ओन पैसिव के सीईओ ऐसु फारा क्या बोल रहे थे कि मैं अपने जितने भी फाउंडर्स हैं सभी को डोमेन नेम दूंगा, लेकिन खुद उन्होंने डोमेन नेम कहाँ से लिया? GoDaddy से। चलिए इसको छोड़िए, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। और जब 2008-09 में ओन पैसिव के सीईओ ऐसु फारा GDI फ्यूजन एक कंपनी लेके आए, जो मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ और वो आज भी यूट्यूब पे उनकी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे भी उनका एक फॉर्मूला था कि मैं सभी को डोमेन नेम दूंगा और $10,000 की आपकी हर महीने इनकम होगी, आप GDI फ्यूजन में इन्वेस्ट करिए, यानी कि मेरे को आप पैसे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि एक अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस में एक बार, दो बार, हजार बार, 10,000 बार वो फेल भी हो सकता है, लेकिन जिसकी नीयत ही ये कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको लूटना है तो वो क्या करता है? तो उसका रिजल्ट ये है कि जो आदमी 2008-09 में GDI फ्यूजन की कंपनी में सभी को डोमेन नेम देकर $10,000 की इनकम करा रहा था, आज 2021 में 5वें महीने में वो GoDaddy से डोमेन नेम परचेज कर रहा है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म वो खुद का तब से लेकर अब तक ये भी नहीं बना पाया कि वो और लोगों को डोमेन नेम दे सके, रेंट पे सालाना उनसे पैसे ले, डोमेन नेम दे। आज भी आपको सिर्फ वही बात बता रहे हैं कि आप सभी को डोमेन नेम देंगे। दोस्तों ये वही बात हुई, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि मैं किसी के घर में एक किराए के रूम में रह रहा हूं और मैं बाहर जाके लोगों को बोल रहा हूं कि मैं इसी घर में एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें आप सब लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपको कोई किराया भी नहीं देना होगा, सिर्फ एक बार आपको पैसे देने होंगे और इसी घर में मैं ऐसा घर बना दूंगा कि आपको यहाँ पे सारी सुख सुविधा की चीजें मिलेंगी और आपकी सारी मौज यहाँ पे हो जाएंगी। जहाँ पे 11 लाख फाउंडर्स विजिट कर रहे हैं वो डोमेन नेम इन्होंने लिया है GoDaddy से, और ये बात कर रहे हैं कि मैं सभी लोगों को उनको खुद का डोमेन नेम दूंगा, लेकिन जो डोमेन नेम आपको देने वाला है वही खुद डोमेन नेम ले रहा है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो पूरी दुनिया में डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है। दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोज में बोल चुका हूं कि जो ofounders.net की वेबसाइट है और जो इसमें ये ओ नेटवर्क है, ओ चैट, ओ मेल है, ये सब आप किसी को दिखाइए, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो आपको बता देगा कि ये 15 से 20 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा और 1 लाख से भी कम का खर्च इसमें होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा ओ नेटवर्क के बारे में और सर्वर के बारे में, जो सर्वर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ओन पैसिव अमेजोन का सर्वर यूज कर रहा है और सर्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो एक तरह का रूम होता है जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर रहता है, जितने भी आप मैसेज, वीडियो, फोटो जो भी आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं वो सारा का सारा वहाँ पे स्टोर रहता है।
अब आपको ध्यान आया होगा कि एक वेबिनार में ओन पैस्यू के सीईओ ऐसुभार ने बताया था कि भाई आप जितने भी लोग ओ नेटवर्क जो नाम का एक दिया हुआ है प्रोडक्ट, उसमें जो पोस्ट करते हैं वहाँ पे हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा मत करिए। फिर उसका लेटेस्ट वर्जन गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन ने लोगों को बताया कि भाई आप लोग जो ओ फाउंडर है उसमें जो ओ नेटवर्क है उसमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत कीजिए। आप किसी राजनीति की पोस्ट वहाँ पे मत कीजिए, अपना फोटो वहाँ पे मत पोस्ट कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है भाई आप बहुत सुंदर हैं लेकिन वहाँ पे आप अपना फोटो पोस्ट मत कीजिए, बेकार की वीडियो वहाँ पे पोस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सब का एक ही रीजन है, और जो ये ओ फाउंडर की वेबसाइट है अभी भी ठीक से नहीं चल रही है, ये ओ नेटवर्क आपका ठीक से नहीं चल रहा है। अमेजोन का सर्वर जो यूज कर रहा है ओन पैसिव, उसने एक छोटा सर्वर बाय किया हुआ है, यानी कि बड़ा सर्वर नहीं उन्होंने लिया है, छोटा सर्वर उन्होंने लिया हुआ है जिसकी कुछ लिमिट है। अब ज़्यादा मैसेज जाएंगे तो वो साइट काम करना बंद कर देगी, जैसे अंडर मेंटेनेंस दिखा देती है या कभी वो आपको बंद सर्वर डाउन ऐसा कुछ करके दिखा देती है, 403 नोट फाउंड ऐसा वो कुछ दिखा देगी, तो वो लोगों को ऐसा दिखाना शुरू कर देगी। अब आपने जो $97 दिए हैं ओन पैसिव के सीईओ ऐसुभारा को, उनमें से वो जो हैदराबाद ऑफिस में उन्हें कुछ लोगों को बिठा रखा है वहाँ पे, उनको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तो महीने के दे रहे होंगे, उनके हिसाब से माने तो 600-700 एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी भी सैलरी है सभी की पर मंथ 10-10, 15-15 हज़ार। तो आजकल एक सिक्योरिटी गार्ड के भी होते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, और वहाँ पे 500-600 एम्प्लॉय भी हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन सबको भी सैलरी दी जा रही है। साथ के साथ ही अमेजोन से जो सर्वर बाय किया हुआ है, खुद का सर्वर नहीं है ओन पैसिव के पास, जिस कंपनी के पास, और वो बात करती है कि मैं अमेजोन से भी आगे चला जाऊंगा, फेसबुक से भी आगे चला जाऊंगा, जूम से भी आगे चला जाऊंगा, और मैं सबको डोमेन नेम भी दूंगा। यानी कि ये वही बात हुई कि भाई मैं किसी के किराए के घर में रह रहा हूं और मैं लोगों को बाहर जाके बोलूं कि इसी घर में मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि आप लोगों को सारी चीजें यहां पे मिलेंगी। तो ये सारा खर्च ओन पैसिव के सीईओ ऐसुभारा कर रहे हैं, हैदराबाद में पैसे दे रहे हैं, और जो ये जूम पे 30-40-50-60 जितने भी इन्होंने पैकेज लिए हुए हैं अलग अलग कंट्री के लिए, वो सारे भी पैसे वहाँ पे दे रहे हैं, और ऊपर से ओन पैसिव की एडवर्टाइज करने के लिए लैपटॉप कार स्कूटी वगैरह भी गिफ्ट की जा रही है, जो एक बार बंद कर दी थी लेकिन मेरी वीडियो डालने के बाद एक बार फिर एक लैपटॉप दिया उन्होंने। यानी कि इतनी नज़र वो रखते हैं, क्योंकि मैंने उनकी जो दुखती रग है वो पकड़ ली है, उनका झूठ जो है वो मैंने पकड़ लिया, और सिर्फ ओरिजिनल चीज़ें ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा खर्च क्या है उनका, जो ये बड़े बड़े होटलों में सेमिनार होते हैं, लोगों के पैसे लगवाए जाते हैं, गरीब लोगों को इकट्ठे किए जाते हैं वहाँ पर, उनका पैसे लगाए जाते हैं, और फिर रात को उन गरीब लोगों के पैसे से दारू पी जाती है, यानी कि उन लोगों का, गरीब लोगों का खून पिया जाता है। हकीकत में जस्सी जी, अगर आप में आज भी सच्चाई है तो आज आप सबके सामने आइए, आपने क्या देखा, आप क्या जानते हैं, सब कुछ आप बता दीजिए। आप वो जो होटलों में बैठकर ऐश कर रहे हैं और वो जो वाइन या फिर जूस जो भी आप पी रहे हैं, वो गरीब लोगों का आप खून चूस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप अमेजोन का सर्वर ओन पैसिव यूज कर रहा है, ओ फाउंडर्स डॉट नेट में आपको जो ये प्रोडक्ट दिख, एक ही वेबसाइट में इतने प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो इन्होंने डोमेन नेम लिया है ओ फाउंडर्स डॉट नेट का, ये गो डैडी से लिया हुआ है। एक आदमी जो खुद का डोमेन नेम परचेज किया है गो डैडी से, वो आपको सपने दिखा रहा है कि मैं जूम से बड़े प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं फेसबुक से बड़े प्रोडक्ट बनाऊंगा। अमेजोन का सर्वर वो खुद यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अमेजोन से भी बहुत आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बोनस की। तो जब भी बोनस देंगे, मान लीजिए फरवरी में देंगे या जनवरी में देंगे, तो आप लोगों को एक बार के लिए तो बोनस दे देंगे, लेकिन दूसरे महीने बोनस कहाँ से आएगा? 11 लाख से ज्यादा फाउंडर हो चुके हैं, एक ही महीने में 11 लाख से ज्यादा और फाउंडर मनी रोटेशन कराने के लिए कहाँ से आएंगे, ये सोचने वाली बात है। जिनकी 5 की 10 की टीम है उनका पैसा तो खर्च हो चुका है, क्योंकि मैं सारे खर्च आपको ये लैपटॉप स्कूटी वहाँ पे 500-600 लोगों को हर महीने 15 हज़ार की सैलरी, अमेजोन के सर्वर के लिए पैसे, गो डैडी को पैसे, ये सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ, जूम के पैकेज, और फिर ये इनके जो पार्टनर है टाइम टाइम पे कोई एक आध रूस जाता है उसको 8-10 लाख देना, ऐसे ये सब चलता रहता है, क्योंकि पार्टनर है भाई, वो तो अपना हिस्सा लेंगे। ये आपका सारा पैसा बढ़ चुका है, और इसको अगर वो मनी रोटेशन भी करेंगे तो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और चलिए मान लीजिए एक बार वो मनी रोटेशन कर भी देंगे तो दूसरे महीने आपको पैसा कहाँ से देंगे? चलिए वो मनी रोटेशन करके कानून की नज़र से भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं बच जाएंगे, ओन पैसिव कंपनी बच जाएगी, ऐसुभारा बच जाएंगे, तो दूसरे महीने कहाँ से पैसा देंगे? दूसरे महीने फिर इतने सारे फाउंडर कहाँ से आएंगे? फिर ऐसुभारा आपके सामने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको बोनस मिल जाएगा तो मनी रोटेशन से जो मिल जाएगा, जिनकी जीरो टीम नहीं है वो तो भूल जाइए, वो सुनिए भी मत इस बात को, जो जिन्होंने बहुत लोगों के पैसे लगवाए हैं उनमें से कुछ बचा कर ऐसुभारा अपने और अपने गैंग के लिए और आपस में बांट कर उनको कुछ बोनस दे देंगे,
तो फिर दूसरे महीने बोनस कहां से आएगा, इस सवाल का जवाब आप पूछिए इन लोगों से। कौन सी एड कैंपेन ये लोग चलाएंगे, ये सवाल का जवाब आप पूछिए। गो डैडी का ना, गो डैडी पे खुद का अपना डोमेन नेम लेकर उनसे बाय करके परचेज करके लोगों को डोमेन नेम देने के सपने दिखा रहे हैं, ये सवाल आप इन लोगों से पूछिए। अमेजोन का सर्वर यूज कर रहे हैं, अमेजोन फेसबुक, फेसबुक के पास खुद का अपना सर्वर है, ये स्क्रीनशॉट में आप देखिए। इनसे बड़े ये बनने जा रहे हैं, या इनके सोवे हिस्से जितने भी बनने जा रहे हैं, लेकिन सर्वर यूज कर रहे हैं इन्हीं का। तो कहाँ से ये लेकर आएंगे और कहाँ तक ये जाएंगे और क्या ये लोग करेंगे, सिर्फ एक साइट बना के छोड़ रखी है जो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा मैसेज करेंगे, जो ओ नेटवर्क है वहाँ पे वीडियो वगैरह पोस्ट करेंगे तो बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा ऐश मुबारक को, उसके पैसे देने होंगे। अब ऐश मुबारक के सामने मुसीबत ये हो जाएगी, अगर फाउंडरशिप कम हो गई, यानी कि फाउंडर लोग यहाँ पे नए आने बंद हो गए, पैसे डालने कम कर दिए, तो ये जो इतना सारा खर्च है, जो डोमेन नेम लिया हुआ है गोडैडी से, अमेजोन का जो सर्वर यूज कर रहा है, ये पैसे कहाँ से देगा, और उधर हैदराबाद में जो लोग बिठाए हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए, उनकी सैलरी कौन देगा, क्योंकि फ्री में तो वो भी बैठने से रहे, चाहे वो इसके साथ मिले या जैसे भी करे, लेकिन पैसा तो उनके भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसका शटर डाउन हो जाएगा, इसलिए ये फाउंडरशिप बंद नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन ये फाउंडरशिप बंद कर देंगे तो समझिए ये कंपनी भी बंद हो गई, इसके अलावा इसके पास कुछ है भी नहीं। दोस्तों, इन बातों को जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई हैं, गो डैडी से इन्होंने ofounders.net का 2021 के पांचवें महीने में, ये कोई पुराना नहीं है 10-20 साल पुराना, 2021 के पांचवें महीने में ofounders.net का नाम परचेज किया है। जब तक ऐश मुबारक आप सबको सपने दिखा चुके थे कि मैं सभी को डोमेन नेम दूंगा, मैंने ओ स्टाफ तैयार कर लिया है, मैंने ओ ट्रैकर तैयार कर लिया है, मैंने ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए बायजूस की साइड में बायजूस से भी बड़ा ओ अकेडमी तैयार कर लिया है, ये तब के बाद की बात है जब उन्होंने खुद का डोमेन नेम लिया गोडैडी से और अमेजोन का सर्वर यूज कर रहा है, इन सबको पैसे दे रहा है। तो दोस्तों, ये फिर घूम के वही बात आ जाती है कि मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा जो ओ नेटवर्क की जो वेबसाइट है, ओ फाउंडर की और ओ नेटवर्क है, वो अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐश मुबारक ने इतनी भी औकात नहीं दिखाई कि थोड़ा सा बड़ा सर्वर, थोड़ा और ज़्यादा स्टोरेज ले ले सर्वर के लिए, ताकि ये लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिशा में ये लोग काम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ काम चलना चाहिए, दिखाई देना चाहिए और लोग के पैसे आने चाहिए उसको दिखाकर, बस सिर्फ और सिर्फ इस पर ये लोग काम कर रहे हैं, अपना गुजारा हो जाए, अपने लिए अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ दें, इतना पैसा लोगों से लूट कर कमा लें, लेकिन दूसरों के बच्चों की जिंदगी कहाँ गैरत में धकेल दिए इन लोगों ने, उसके बारे में ये कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्कैमर है। एसमैक्स मैं आपको बता चुका हूँ, विद प्रूफ दिखा चुका हूँ, गैंग के सदस्य भी दिखा चुका हूँ, और जो इनकी GDI फ्यूजन थी ऐश मुबारक की, वो भी दिखा चुका हूँ, उसमें भी डोमेन नेम दे रहे थे। और मजे की बात यह है कि एसमैक्स कंपनी में भी ऐश मुबारक डोमेन नेम दे रहे थे, तो यहाँ पे भी डोमेन नेम दे रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, यानी कि कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, और एक कैटमो का इन्होंने नारा दिया हुआ है कहाँ से वो लागू होता है और किस चीज़ की एड कैंपेन चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज आपके सामने तस्वीर साफ हो गई है, वैसे तो पहले से हो चुकी थी जब आप सवाल के जवाब ढूंढते, जो भी मैं बात कर रहा था, और मैंने तो विद फैक्ट और प्रूफ के साथ भी आप लोगों को दिखाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।